क्या बोला गया? द मेजर्ड वोल्टेज फॉर द रिएक्शन विद द इंडिकेटेड कंसेंट्रेशन इज 1.50. आपको ई सेल दे रखा है. कैलकुलेट द ई नॉट सेल. आपको इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू बतानी है. सिंपल सा है, डायरेक्ट रिएक्शन आपको गिवन है. नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059. 0.059 को हम लोग यहां पर अप्रोक्स 0.060 ले रहे अपॉन एन. यहां पर जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? एन फैक्टर आपके पास 3 आ जाएगा. दिस इज लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में किसकी कंसंट्रेशन आएगी? सी आर प्लस 3 आयन की. ये कितनी है? 0.10 अपॉन. रिएक्टेंट में किसकी कंसंट्रेशन आएगी? Ag प्लस की आएगी, लेकिन इसकी पावर 3 आएगी. आगे कोफिशिएंट 3 दे रखा है. ठीक, तो 0.10 इंटू 0.10 इंटू 0.10. ठीक है, ई सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. 1.50 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये कितना हो जाएगा? 0.020 लॉग 0.10 कैंसिल आउट हो गया एक अपने पास. ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया. ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4. आगे आ जाएगा 1.50 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.020 इंटू 4 और दिस इज लॉग 10. ठीक, तो ई नॉट सेल जो होगा इसमें ये अप्रॉक्स आएगा. बेटा ध्यान रखना, इसमें ना एग्जैक्ट 1.55 आंसर नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स 1.57 के आसपास आंसर जाएगा. ठीक है, तो वो ये ऑप्शन उसके जस्ट नियरेस्ट था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर डी ऑप्शन के ऊपर क्लिक सेलेक्ट किया है. ठीक है, ये अप्रॉक्स आएगा. ठीक है, मतलब थोड़ा सा 1.55 से ज्यादा आएगा इसके अंदर. ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 0.060 ले लिया इस वजह से.